वो अपना सा। आदित्य जिंदल, काम खत्म करने के बाद तुम्हें बाकी के पैसे मिल जाएंगे। निशा जरूर आदि के साथ कुछ बुरा करने वाली है। जानवी को कैसे बुलाऊं मैं? इतना प्यार करती हूँ उससे। बेइंतहा। क्या कर सकते हो उसके लिए? कुछ भी। जैसे? अपनी जान तक दे सकता हूँ। पर जानवी को पाने के लिए किसी की जान ले सकते हो? आदि को अपने रास्ते से हटा दो, जानवी तुम्हारी हो जाएगी। मिलाओ के मुझसे हाथ। बीन्स बुक्स एंड मोर रेस्टोरेंट में एक घंटे में पहुंच जाना। आदि तुम ले चलो, मैं गाड़ी लगा के आऊं। जानवी, तुम आदित्य को सबसे बचा सकती हो लेकिन निशा से नहीं बचा सकती। नो चांस। तुमने मुझे कितने सारे गिफ्ट्स दिए हैं ना, पर मैंने तुम्हें कभी कोई गिफ्ट नहीं दिया। नॉट फेयर। इसीलिए अब मैं तुम्हें एक बहुत स्पेशल गिफ्ट दूंगी। और ये गिफ्ट किसी और के हाथ क्यों भेजवाऊंगी? मैं खुद उसे पर्सनली तुम्हें दूंगी। साइंड, सील्ड, डिलीवर्ड बाय निशा। कितने लकी हो तुम आदि। जब तक मैं तुम्हारे साथ थी, हमेशा तुम्हें अपने आसपास पाना चाहती। और अब जब तुम मुझसे दूर चले गए हो, तब भी मैं तुम्हारी तरफ खींची चली आ रही हूँ। तुम्हारी आखिरी सांसों में तुम मुझे अपने पास पाओगे। You are so lucky, Adi, and I'm so jealous. आज बहुत दिनों के बाद नेहा कहीं घूमने गई है। अरे ये तो बहुत अच्छा हुआ, राज उसे खाने पे ले गया। जी बाबा साहब, देखिएगा नेहा बहुत जल्द बिल्कुल पहले की तरह हो जाएगी। हंसेगी, मुस्कुराएगी, खुश रहेगी। हाँ। बस मैं तो यही चाहती हूँ कि मेरे सारे बच्चे खुश रहें। चलो चीनी, जल्दी जल्दी खत्म करो, सोना है ना आपको। सोने से पहले एक स्टोरी, एक मम्मा और एक पापा। वैसे पापा के पास आपके लिए एक सरप्राइज है। आपको कल स्कूल जाना, उसके बाद 3-4 दिन की छुट्टी। क्यों? क्योंकि मैं सोच रहा हूँ कि बच्चों को और जानवी को कुछ दिनों के लिए गोवा ले जाऊं छुट्टी पर। कल टिकट्स बुक कर लूंगा और परसों गोवा। ओके। ये तो बहुत अच्छा ख्याल है। ख्याल तो बहुत अच्छा है, लेकिन मेरे पास एक और ख्याल है। तुम दोनों जाओगे घूमने के लिए और बच्चे मेरे पास रहेंगे। अरे नहीं काकी माँ, पर कुछ नहीं, तुम पहली बार जा रही हो आदि के साथ कहीं घूमने। बच्चे अपनी दादी के पास रहेंगे। क्यों बच्चे हो? मुझे मम्मी पापा के साथ जाना है। थैंक यू वेरी मच। आदि,
कितना अच्छा लगा आदि, आखिरी बार तुम्हारे मुंह से मेरा नाम सुन के। आदि तुम्हें पता है मैं एक दिन तुमसे दूर रही, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया, पर सुनो अब तो तुम हमेशा के लिए जा रहे हो, मैं तुम्हें बहुत मिस करूंगी। मैं हम ना जाने से पहले थोड़ी सी यादें समेट लेते हैं, ठीक है? सिर्फ तुम और मैं, जैसा मैं हमेशा चाहती थी ना, बिल्कुल वैसे। पर तुम मेरे तो हो नहीं सकते, है ना? तुम तो जा रहे हो, तो मैं एक फोटो खींचते हैं आदि। चलो आदि आंखें खोलो ना, आदि प्लीज देखो, मैं फोटो खींच रही हूँ। आदि आदि स्माइल, वाह आदि, आदि आंखें खोलो, ये फोटो ना बिल्कुल हमारी हनीमून जैसी फोटो, एक फोटो हमने खींची थी। आदि देखो ना प्लीज, आदि कम ऑन देख। तुमने पुलिस को इन्फॉर्म किया? हाँ आदि, पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया मैंने। आपकी जान पर हमला किया, उसने क्रिमिनल है, उसकी सही जगह जेल है, तो वहीं रहना चाहिए। निशा हर वक्त कहती रहती है कि वो आपसे प्यार करती। कैसा प्यार है, जिससे वो भूल जाती है कि किसी को तकलीफ पहुंचाकर उसका प्यार नहीं पाया जाता। आई मीन, अगर आप किसी से प्यार करते हैं तो आप उसकी जान लेने पर कैसे तुले हो सकते हैं? जानवी, ये सब सोचने का कोई फायदा नहीं है। इंसानियत नाम की चीज नहीं है निशानी, फीलिंग्स क्या होती है ये उसे नहीं पता। अच्छे बुरी की समझ तो बहुत दूर की बात है, ऐसी औरत को बाहर समाज में नहीं जेल में होना चाहिए। प्लीज तुम उसके बारे में सोचकर अपने आप को तकलीफ मत दो। आदि, उसे अपने कर्मों की सजा जरूर मिलेगी। प्लीज पानी दोगी मुझे? अरे पर आपको प्यास लगी है ना, तो पीजिए पानी। तुम पियो। अब लीजिए। प्लीज जानवी, अब निशा के बारे में सोचना छोड़ दो। एक स्माइल तो जानवी, जानवी कहाँ है? वो तो अंदर गई है। काकी माँ, आपने उसे जाने कैसे दिया? निशा अभी तक अरेस्ट नहीं हुई, कहीं उसे कुछ हो गया तो? कौन है? ए, रुक, रुक! पता नहीं कौन था ये? तो जानने का तो पट्टा क्या है? उससे पहले मैं उस खुश नसीब का नाम जानना चाहता हूँ जिससे आपको प्यार हो। क्या जरूरत है? मेरा मतलब है मैं आराम कर लेती हूँ, सर दर्द चला जाए। पर 5 मिनट में तो नहीं जाएगा ना, तो इसलिए मैं तुम्हें चंपी दूंगा, उसमें तुम्हें तो आराम मिलेगा लेकिन साथ ही साथ मुझे भी तो मौका मिलेगा टॉर्चर करने का। टॉर्चर? हाँ, क्योंकि चंपी करते वक्त तुम भी तो मुझे ऐसे बार बार टपली मारती थी ना। मुनि अपनी सारी हदें पार करती जा रही है, इसको तो मैं बधाई हो दीदी। अर्जुन और आपकी छोटी बहन प्रीति शादी कर रहे हैं। प्रेम भाई, प्रीति अब मेरी पत्नी। अरे नहीं मानता मैं ऐसी किसी शादी को। आपके मानने या ना मानने से क्या फर्क पड़ता है प्रेम भाई?
वेलकम टू द लंच डेट ऑफ योर लाइफ मिस्टर व्यास। जिसका सब कुछ छीन लिया वो अब मुझे मौत देगी।